हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे WWE रेसलर की जो मशहूर है द फिनोमिनल के नाम से, जी हाँ एजे स्टाइल, अपनी शानदार फुर्ती जबरदस्त मूव्स के लिए मशहूर हैं एजे स्टाइल। बात करते हैं उनके WWE में आने से पहले की। एजे स्टाइल का बचपन बहुत दिक्कतों से भरा हुआ था, उनकी फैमिली फाइनेंशियल मजबूत नहीं थी, उनकी फैमिली को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एजे स्टाइल बचपन में अपने फादर के बुरे बिहेवियर का शिकार होते थे। एजे के फादर को शराब की बुरी लत थी, जिसके चलते वो उनकी माँ और एजे स्टाइल के साथ बुरा व्यवहार करते थे। उन्होंने साल 1996 में जॉर्जिया के जॉनसन हाई स्कूल को ज्वाइन किया। उन्होंने कुछ समय बाद दक्षिण कैरोलिना में एक रेसलिंग कॉलेज में भी एडमिशन लिया था, जहां उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी। एडमिशन लेने के कारण था कि उनके कुछ फ्रेंड्स ये काम कर रहे थे। कुछ टाइम बाद प्रोफेशनल रेसलिंग करने के जुनून के चलते उन्होंने इस कॉलेज को छोड़ दिया। घर की और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने घास काटने, एम्बुलेंस चलाने और वाटर सप्लाई करने का भी काम किया। एजे स्टाइल ईसाई हैं और उनको सबसे पहले भगवान से फिर अपनी फैमिली से प्यार है। एजे स्टाइल का रियल नेम एलन नील जोन्स है। इनका जन्म यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ कैरोलिना में 2 जून 1977 को हुआ। ये आज 40 साल के हैं। एजे की हाइट 5 फीट 11 इंच है और उनका वेट 99 किलोग्राम है। ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर हैं। एजे की शादी साल 2000 में वेंडी जोन्स से हुई, जो कि इनकी गर्लफ्रेंड भी थी। एजे और वेंडी जोन्स के 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़के और 1 लड़की है। पहला लड़का अजय जोन्स 3 मई 2005, एवरी जोन्स 14 फरवरी 2007, एलवे जोन्स 15 सितंबर 2009 और लड़की एनी जोन्स 8 अक्टूबर 2014। आपको बता दूं, एजे स्टाइल के टोर्सो के राइट साइड एक बड़ा टैटू है, जिसमें काफी बड़ा एजे स्टाइल लिखा है और उसके नीचे अपने 3 लड़कों की बर्थ डेट्स हैं। साल 2016 में उन्होंने अपनी बेटी की भी बर्थ डेट्स वहां लिखवाई। बात करें एजे स्टाइल की हॉबी की, तो उन्हें वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। उनके फेवरेट वीडियो गेम फुटबॉल, सुपर मारियो ब्रॉस और स्ट्रीट फाइट है। उनके पसंदीदा रेसलर शॉन माइकल हैं। वो ड्रिंक करते हैं बट स्मोकिंग नहीं करते हैं। एजे का निकनेम द फिनोमिनल है। उन्हें प्रोफेशनल रेसलिंग में साल 1998 में आगाज किया था। बात करते हैं साल 1998 से 2000 की, तो वो जॉर्जिया बेस्ड नेशनल चैंपियनशिप रेसलिंग NCW में मिस्टर ओलंपिया के नाम से लड़े और यहाँ वो एक मास्क लगा के खेला करते थे। साल 2002 में WWE वर्ल्ड रेसलिंग ऑल स्टार में डेब्यू किया। एजे स्टाइल ने इसी साल 2002 में अपने तीसरे शो के तौर पे ROH में डेब्यू किया। अपनी मेहनत और जबरदस्त स्किल के जरिए वो बहुत ही कम समय में यहाँ एक मेन इवेंटर बन गए। यहाँ उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप और प्योर चैंपियनशिप जीती। इसी दौरान उन्होंने TNA में आगाज करा। अब वो रुकने वाले नहीं थे। साल 2002 से 2016 तक वो काफी रेसलिंग कंपनीज का पार्ट रहे, जिसमें से वो TNA के सबसे लंबे समय तक पार्ट रहे। इसके साथ साथ वो IWC इंटरनेशनल रेसलिंग कार्टल, मैक्सिकन एंड जैपनीज पार्टनरशिप में भी रहे। ROH को बहुत पहले छोड़ चुके एजे एक बार फिर साल 2014 में लौटे और वहां उन्होंने 2016 तक काम किया। इसी दौरान साल 2014 से 2016 तक उन्होंने NJPW में एज अ बुलेट क्लब ज्वाइन करा, जो काफी फेमस रहा। इतना लंबा समय काफी था एजे स्टाइल के लिए WWE में जाने का और उनकी लोकप्रियता के चर्चे अब WWE को भी सुनाई देने लगे थे। आखिर वो मौका आया जब WWE ने एजे स्टाइल के साथ 20 जनवरी 2016 को कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और WWE में एजे का आगाज 24 जनवरी 2016 को रॉयल रंबल में नंबर 3 की एंट्री के रूप में हुआ। एजे स्टाइल ने इस मैच में कर्टिस एक्सल, टाइलर ब्रेस को एलिमिनेट किया। इस मैच में वो 29 मिनट रहे और उन्हें एलिमिनेट केविन ओवंस ने किया। इसके बाद उनकी फ्यूड क्रिस जेरको के साथ दिखाई दी। वो रसलमेनिया 32 का भी पार्ट रहे। इसके बाद फेटल फोर वे मैच में क्रिस जेरको, केविन ओवंस, सिजारो के खिलाफ उन्होंने शानदार जीत दर्ज करी और नंबर 1 कंटेंडर चुने गए WWE चैंपियनशिप के लिए, जहां उन्हें रोमन से भिड़ना था। वो काफी बड़े मैचेस और PPV का हिस्सा रहे। एजे ने डीन एम्ब्रोस के खिलाफ बैकलैश में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। वो WWE से ब्रांड स्मैकडाउन के तौर पे जुड़े हुए हैं। 2017 में उनकी फ्यूड स्मैकडाउन के कमिश्नर शेन मैकमैन के साथ भी देखने को मिली थी। इन दोनों के बीच रेसलमेनिया 33 में शानदार मैच हुआ। एजे स्टाइल आजकल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। इनकी फ्यूड केविन ओवंस के साथ देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे एजे स्टाइल के फिनिशिंग मूव, सिग्नेचर मूव और अचीवमेंट्स की। फिनिशिंग मूव में स्टाइल क्लैश, फिनोमिनल फॉरआर्म और सुपरमैन आर्मबार है। वहीं सिग्नेचर मूव में ब्रेन बस्टर, डाइविंग नी ड्रॉप, पेले किक शामिल हैं। बात करते हैं उनके WWE में अचीवमेंट्स की, तो एक बार WWE चैंपियन और 2 यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जैसे टाइटल जीत चुके हैं। उम्मीद करते हैं वो आने वाले टाइम में और सफलता पाएं। ये थी एजे स्टाइल की लाइफ से जुड़ी जानकारियां। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक मारो। इस तरह की WWE अपडेट्स हिंदी में पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे स्टाइल क्लैश, पेले केक जो मारना है मारो यार, बट चैनल सब्सक्राइब करो ना। थैंक यू।